की रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास ये मशरूम है, ये 200 ग्राम मशरूम है और इसके साथ हम आज मिलाएंगे ये ग्रीन मटर है, फ्रेश मटर हमने लिया है, आधी कटोरी है। प्याज हमारे पास दो कटे हुए, दो बड़े प्याज को हमने कट कर लिए हैं, 3 ग्रीन चिली है। मसालों में हमारे पास है धनिया 1/2 टेबल स्पून है, जीरा, मीट मसाला 1 टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर है 1/2 टेबल स्पून और हल्दी भी 1/2 टेबल स्पून है। एक टमाटर हमने रखा है कट करने, कट करके इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। लहसुन और अदरक का हमने कूट करके पेस्ट बनाया है। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनको हम फोरन में डालेंगे। तेजपत्ता है, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी और ये जीरा हरा हम यूज करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। मैं अभी इसमें रिफाइंड ऑयल को यूज करूंगी, आप किसी भी ऑयल को यूज कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मशरूम को काट लेंगे। इसे हमने धो लिया है 2 बार पानी से और इसे कट करने के बाद में गर्म पानी में फिर से इसे हम धो लेंगे साफ। सबसे पहले हम मशरूम को काट लेंगे, आप किसी भी तरह से काट सकते हैं, ऐसे लंबाई में या गोलाई में, ज़्यादा पतला, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो ऐसे हम इसे कट लेंगे। तो इस प्रकार हम सारे मशरूम को काट लेंगे और गर्म पानी में इसे करीब 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मशरूम को मैंने गर्म पानी में डाल दिया और 5 मिनट हो गया है इसलिए इसे हम निकाल लेंगे। इसको गर्म पानी में धोना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसे अच्छे से साफ हो जाता है। इसे हम कुकर में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा कुकर में और जल्दी भी होगा। सो आप भी चाहे तो कुकर में बना सकते हैं। हमारा कुकर, अब कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं, ये रिफाइंड ऑयल है और जितना ज़रूरी है तेल, प्याज अच्छे से भून जाए। सबसे पहले हम गरम मसाला और जीरा जो है इसे हम डाल देंगे। जीरा हल्का लाल होगा फिर हम इसमें प्याज और मिर्चा तेजपत्ता को डाल देंगे। प्याज जब हल्का लाल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले को डालेंगे। सबसे पहले हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट को इसमें मिलाएंगे। प्याज हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट को सबसे पहले डाल रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा कांचने में भून लेते हैं। हल्का सा पानी दे देंगे। लहसुन अदरक के बाद हम इसमें इन सारे मसालों को मिला देंगे। और थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सही से पकने देंगे।
ये थोड़ा भून जाए, फिर इसमें हम मशरूम और मटर को मिक्स करेंगे टमाटर के साथ। ये बहुत टेस्टी होता है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। हमारा मसाला करीब करीब हाफ भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर को ऐड कर देते हैं। टमाटर के साथ में ही हम मशरूम और ग्रीन मटर जो हमारे पास में है उसे भी हम ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ी देर लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। हमारा मशरूम बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और इसे बस दो सीटी लगा देंगे। और ये बहुत अच्छे से मटर और मशरूम बिल्कुल गल जाएगा, ये गल चुका है लेकिन दो सीटी और लगा देंगे। इसे पानी और डाल देंगे। हमारा मशरूम रेडी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं खोल करके। बिल्कुल तैयार है, ग्रेवी अच्छा है, रोटी के साथ खाने के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हम इसे सर्व कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी है। सो प्लीज़ आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।